हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला। लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ की फेमस डिश मुठिया की रेसिपी, जिसे पानी फरा और बघारा फरा के नाम से भी जानते हैं। और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे रात के बचे हुए चावल और चावल आटा के साथ बनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत इतनी क्रंची बनी है। तो इस तरह से आप बना के जरूर ट्राई करिए अपने घर में। तो चलिए हम किस तरह से बनाए हैं इसको फिर बनाते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ चावल, बचे हुए चावल है रात की और चावल का आटा। तो फिर एक बर्तन ले लेते हैं बड़ा वाला, तो उसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और चावल को डालेंगे। अब इसको ऐसे ही हाथ से अच्छे से इसको मस लेंगे। पहले इसको अच्छे से मसल लेना है ताकि मुठिया अच्छे से बनता है इसमें। फिर इसमें चावल आटा डालेंगे। फिर इसका आटा गूंद लेंगे। पहले तो इसको अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा बना लेंगे, क्योंकि चावल में पानी रहता है तो एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। थोड़ा इसमें और आटा डाल दूंगी। पर इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एकदम इसको एकदम सख्त आटा नहीं गूंदना है, थोड़ा सा लूज करना है। देखिए इस तरह से हमको आटा गूंद लेना है। तो देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसका हम मुठिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा आटा ले लेना है हाथ में और इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए मुठिया बना लेना है। तो इस तरह से हम सारे जो मुठिया है पहले बना के रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सारी मुठिया बना के तैयार कर ली हूँ और यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम 2-3 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे बघारने के लिए मतलब तड़के के लिए हमें चाहिए ज़्यादातर इसे सूखी मिर्च और तिल से ही तड़का देते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों और मीठा पत्ती, इसमें बहुत अच्छे टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिए। तो तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे सूखी मिर्च तोड़ के और राई को, सरसों को, इसको तड़कने देंगे। उसके हम बाद डालूँगी मैं मीठा पत्ती को थोड़ा सा उसको तड़कने देंगे। उसके बाद डालूंगी मैं तिल, तिल डाले उसके बाद ढक्कन लगा दे ताकि तिल जो है फूटता है। अच्छे से तड़क गया है, जब खुशबू आ रहा है तो हम मुठिया जितना है हमारा उसके हिसाब से हम इसमें डालेंगे पानी। जो हमारे मुठिया है पानी में अच्छे से डूबना चाहिए, उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। फिर पानी में उबाल आने देंगे पहले। तो देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है, तो उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि जो पानी का जो टेस्ट है उसमें भी नमक अच्छे से हो जाए। तो देख सकते हैं इसको मैं एक एक करके पानी में डाल रही हूँ, इसीलिए इसको पानी फरा और बघारा फरा भी इसीलिए कहते हैं। तो एक एक करके हम सारे जो फरे हैं मुठिया हमारा उसको हम डाल देंगे। अगर लगे आपका मुठिया नहीं डूब रहा है पानी में तो उस थोड़ा सा इसमें पानी और डाल सकते हैं गरम करके पानी को। तो ये उबाल आने पर अच्छे से
मतलब पक जाएगा, इतना पानी काफ़ी है। तो मैं ढक दूंगी ढक्कन। अब इसको अच्छे से पानी सूखते तक इसको पका लेना है। बीच में हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे पानी सूख रहा है कि नहीं। तो देखिए किस तरह से उबाल आ रहा है, जो मुठिया नहीं डूबा था वो भी अच्छे से पक रहा है। तो इसी तरह से हमको पानी डालना है। तो जो है मुठिया को अच्छे से पकने देंगे पानी सूखते तक। तो एक बार अब मैं चेक करके बता रही हूँ। तो देखिए पानी काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसको मैं फुल आँच में पका रही थी तो बताना भूल गई थी। अब गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होते तक नीचे का इसको पकने देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, उसके बाद हम गैस बंद करेंगे। तो हल्का पानी है, आप देख सकते हैं नीचे बबल आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और पकने देंगे, फिर धीमा कर दे ताकि जले ना। तो फिर चेक कर लेते हैं। तो देखिए इतनी खुशबू आ रही है मस्त। तो इसी स्टेज में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ताकि अंदर से जले ना। तो मैं इसको पलट के और नहीं सेकती, इसी तरीके से बनाया जाता है मुठिया को। चाहे तो आप सेक सकते हैं, लेकिन घर में जो बुजुर्ग बच्चे रहते हैं ना वो आसानी से इसको चबा के खा लेते हैं और अच्छा टेस्ट लगता है ऊपर का भी। तो ठंडी होने के बाद मैं इसको पलट के दिखाऊंगी किस तरह से गोल्डन ब्राउन अच्छे से सिक गया है ये। तो हल्की ठंडी हो गई है, इसको कैंचे की मदद से हमको इस तरह से इसको निकाल लेना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है अंदर का, एकदम क्रंची बना है। तो इसे आप कोई भी चटनी में आप खा सकते हैं। हमारा जो नरम वाला है वो भी बहुत अच्छे टेस्ट आता है। तो एक बार बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए मुठिया की रेसिपी जो है। और रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसके सब्सक्राइब करिए। तो मैं एक मुठिया तो खा रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी है चटनी, हरी चटनी के साथ। तो फिर इंजॉय करिए।